नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्लैमरेट इंडिया ने जम्मू में अपनी फर्स्ट ब्रांच खोली है और हमारे साथ बात करने के लिए भानु प्रताप हैं। इनसे बात करेंगे किस प्रकार से यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर एक्टिविटीज़ होंगी। सर, आपका स्वागत है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। अभी जो ये जिम का भैया ने स्टार्ट किया है तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है ये, क्योंकि क्रॉसफिट हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत कम है। ये थोड़ा क्रॉसफिट करेगा और क्लैमरेट इंडिया का ये मतलब है कि मतलब इनका जितने भी स्पोर्ट्समैन है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं हर चीज़ में। जैसे इनका खुद का ब्रांड है कपड़ों का, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी अच्छा। और अब इन्होंने जिम खोली, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो जितने भी स्पोर्ट्समैन है इधर अपने, जब हम चाहते हैं कि क्रॉसफिट मिले हमें, वो हमें जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती, वो यहाँ हमें मिलेगी। और काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन यहाँ से निकलेंगे जो क्रॉसफिट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, इधर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। तो आपने काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कितना जो आपको लगता है कि यहाँ से यूथ है जम्मू से, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो अपना दिखा सकता है आने वाले दिनों में? जम्मू में काफ़ी सारा अच्छा है, जैसे भाई साहब हमें सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारा, मतलब जैसे किसी चीज़ का भी, ऐसे ही और सारे स्पोर्टर्स मिल जाएँ जम्मू के बच्चों को, तो हम नहीं चाहते हमें मिले, जो नया यूथ है उनको मिले। अगर उनको सपोर्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा करेंगे। जैसे मानिक भैया मेरे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, कई सालों से मेरे साथ हैं। एक हम इनका काफ़ी मतलब बड़ा प्लान है कि हमारे जम्मू कश्मीर का ब्रांड आगे जाए, ना कि कोई और हम कंपनी को लेके। इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा करा, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, क्योंकि मैं हमें क्लैमरेट इंडिया को आगे लेने की, क्योंकि ये चाहते हैं कि जम्मू का खुद का ब्रांड हो। तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा सुन के, और हम भी इनके साथ जुड़े हैं। तो मैं, जैसे आपने उनकी बात की, बच्चों की बात की या स्पोर्ट्स की बात की, वो तो जैसे हमें गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करेगा हम उतना ही आगे जाएंगे। हमारे ड्रग्स को लेकर जो है काफ़ी आपने देखा होगा जम्मू में भी काफ़ी जब फैलता जा रहा है, उसको लेकर क्या मैसेज रहेगा और यूथ को किस तरीके से आप फिटनेस की तरफ लाएंगे? लोग आजकल वैसे फिटनेस की तरफ तो जा रहे हैं, मगर उनको किस तरीके से यूथ को जोड़ेंगे जो ड्रग्स में जो लिप्त हो चुके हैं? ये जो ड्रग्स में एडिक्टेड हो चुके हैं, इनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक लास्ट हमें एक ही चीज़ दिखती है। मेरा तो अपनी तरफ से यही होगा, मेरे को तो एक इंडिया का फ्लैग दिखता है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता, और अपने मम्मी पापा। तो जो अपने मम्मी पापा की तरफ देखेगा और मम्मी पापा को प्राउड फील कराएगा, नेचुरली ये चीज़ों में नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी हम फिट सब फिट का एक टाइटल निकाला है, तो उसी के साथ जुड़े, उसी को अपनाएं। सभी एक घंटा या आधा घंटा अपने टाइट शेड्यूल से टाइम निकाल के ट्रेनिंग करें, कुछ भी करें, पर वर्कआउट जरूरी नहीं कि हर एक आदमी ये चीज़ करे, एक नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, क्योंकि फिटनेस ही सब कुछ है। तो अगर ड्रग्स की तरफ जाना है तो ये तो गलत चीज़ है। मैं तो यही चाहूँगा अपने यूथ को, यही कहूँगा अपने भाई और बहनों को कि एक स्पोर्ट्स की तरफ जाएँ या पढ़ाई की तरफ, किसी की चीज़ की तरफ जाएँ, उस पर पूरा ध्यान लगाएँ और अच्छी तरह करें। थैंक यू। तो क्लैमरेट इंडिया आने वाले दिनों में और क्या कहीं पर अपने ब्रांचेस खोलने वाली है, या किस प्रकार से उनकी जो है फिटनेस ट्रेनिंग और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं किस प्रकार के होते हैं? इनकी अभी तो इनका स्पोर्ट्स वेयर आया है, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। मैं खुद वो यूज़ करता हूँ, इनके ट्राउजर्स, इनके अपर्स, और अभी तो मतलब जितने भी चीज़ें इनके मतलब कम्फर्ट है, मतलब ट्रेनिंग के मामले में हर चीज़ में। मेरी सिस्टर है, वो खुद वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई है, तो इन्हीं के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हम। जितने भी मेरे, तो जितना भी इंटरनेशनल टूर होता है मैं इन्हीं का यूज़ करता हूँ। अभी मैं मतलब जितना भी खेल रहा हूँ, अभी मेरी बात जितनी भी फाइट्स हैं वो इन्हीं के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और बाहर से भी काफ़ी अच्छा सुनने को आ रहा है कि हाँ भानु प्रताप सिंह अच्छा रिजल्ट है इसका, तो फिर हम यूज़ करेंगे। तो अभी तो अच्छा ही आ रहा है, देखो आगे, नेक्स्ट आगे तो भैया जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल अच्छा मिलेगा हमें। थैंक यू।